हेलो नमस्कार, मैं नमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक 1 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले, 1 मई को पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे नियमितीकरण की मांग को लेकर, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया अतिथि शिक्षकों को निकालने को लेकर, इससे नाराज है अतिथि शिक्षक। इन्होंने बोला है कि अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 12 माह किया जाए, जबकि सरकार ने इनको निकाल दिया है। और शिवराज जी चौहान जी ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 12 माह किया जाएगा, लेकिन अभी तक आदेश लागू नहीं किया गया, जिससे अतिथि शिक्षक खासे नाराज है। तो आज 1 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक। इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना पीडी खेरवार जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और आंदोलन को लेकर, क्या रूपरेखा तैयार की गई है। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है पीडी खेरवार जी का, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। साथियों साधारण नमस्कार। सचमुच दिल में बहुत बड़ी चोट है। वैसे भी हम पूरा 17 घर पर ही रहे हैं। इस 17 हमको भी काम पर रहने का मौका नहीं मिला है। बावजूद इसके 30 अप्रैल को जैसे ही हजारों अतिथि शिक्षक साथी मध्य प्रदेश भर से काम से बाहर हुए हैं, दर्द इस बात का ज़्यादा है। आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूँ, आप लोग भी इस विषय पर पुरजोर विचार करें कि कल 1 मई विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर आप सब प्रयास करें कि सड़कों पर निकलकर जिला मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में मुख्यमंत्री के नाम नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन सौंपें। 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणाओं पर तत्काल अमल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपें। इसके पहले सुबह सुबह 9 बजे के आसपास संपूर्ण मध्य प्रदेश में ट्विटर ट्रेंड अवश्य होना चाहिए, जिसमें अतिथि शिक्षक नियमितीकरण लिखा हुआ हो और विशेष जानकार साथी मदद करें इस अभियान के लिए। पर अब आप सबसे निवेदन है, कृपया अपने आप को असहाय ठगा महसूस जो कर रहे हो, घरों से निकले, सड़कों से पर निकले और अपनी जायज मांगों को लेकर लंबित आवाज़ को बुलंद करें। साथियों अपनी अपनी बात, अपना अपना सुझाव अवश्य दें, पर अब देर करने की आवश्यकता नहीं। और जिन क्षेत्रों में अभी लोकसभा चुनाव बाकी हैं मध्य प्रदेश के साथ ही, आपके पास बहुत मौके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बदला लेने का। आप लोग विचार जरूर करें। आपका भाई पीडी खैरवार मंडला से।